भाभी 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 नहीं, भाभी नहीं, हम यूपी बिहार वाले हैं, भौजी बोलते हैं। तो भौजी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम बात के बतंगड़ में। पहला सवाल भाभी आपसे कि भैया बड़े खुश नजर आते हैं रैलियों में, बड़े मुस्कुराते हैं, बड़ी हेल्दी नजर आते हैं, क्या राज है, खिलाते क्या है भैया को? 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर। अच्छा, क्या खिलाते हैं भाभी? 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर। अरे फिर से बोल दीजिए। 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर। 1 किलो घी, 1 किलो और 1 किलो मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर एक दिन में खिला देती हैं? हम तो खाए नहीं कभी 1 दिन में इतना। नहीं खाई। अगला सवाल, सवाल ये कि आपकी रैलियों में, आपकी खास करके आपकी रैलियों में सुनते हैं कि देवर लोग आपको बड़ा परेशान करते हैं, अखिलेश भैया यूपी की चाबी, डिंपल भाभी बोलते हैं, मतलब कुछ देते हो पैसे वैसे? कितना? 10,000 रुपए देते थे, अब 20,000 रुपए देंगे। 10,000? अब 20,000 कर देंगे? अब तो भाभी खत्म हो गया ना। ओ लोकसभा में कितना दोगे? 20,000 रुपए देंगे। 20,000? गुड। ये विधानसभा चुनाव में 10,000 और लोकसभा चुनाव में 20,000 रुपए देंगे। 20,000? यही लोग फेसबुक पे लिखते रहते हैं ना, यूपी की चाबी, डिंपल भाभी, अखिलेश भैया। सुने कि इस बार सरकार आपकी नहीं बन रही भाभी, मायावती की सरकार बन रही है, सरकार तो 100% बन ही रही है। मतलब कंफ्यूजन है इसलिए पूछ रहे, मायावती की सरकार बन रही है? मैं समझती हूँ, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। अच्छा, क्यों क्यों आपकी सरकार क्यों नहीं बन रही है? उत्तर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छा भाव जी, एक बात बताई दियो हमें। हाँ, अरे यूपी में कुछ लोग मायावती को बहन जी कहते हैं जो बसपाई हैं, और कुछ जो सपाई हैं वो बुआ जी कहते हैं, आप क्या कहती हो, आपकी कौन लगती है मायावती, आप बता दो तरह। मैं तो अखिलेश जी की बुआ, तो हमारी भी बुआ लगी। आपकी भी बुआ लग गई? अच्छा, हम तो भूल ही गए थे कि आप भी सपाई हो, मतलब समाजवादी पार्टी के लिए बुआ जी। आपके घर में झगड़ा किसने लगाया? एक है इंसान, एक है। एक ही है, एक है इंसान, एक है। अमर सिंह। इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, अमर सिंह इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। नहीं बताओगे? अच्छा, आप नाम मत बताओ, हिंट कर दो, हिंट। हाँ, उनके बारे में कुछ बता दो थोड़ा। ना तो वाणी अच्छी है, ना बोली अच्छी है, ना भाषा अच्छी है, और ना विचार अच्छे हैं। अच्छा, ना उनकी बोली अच्छी है, ना विचार अच्छे हैं, अमर सिंह ना पक्का? कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। अच्छा भाभी, एक सवाल जरा पर्सनल सवाल है, जरा बुरा नहीं मानने का, आपकी खूबसूरती का क्या राज है भाभी? एक मतलब, तो खाते क्या हो आप? 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर। अच्छा, आप भी खाते हो भाभी? जब भी आप रैली करती तो आप अकेले रहती हैं, भैया साथ में रहते नहीं हैं, कहाँ हैं आजकल? आजकल मीडिया में बहुत दिख रहे होंगे। अच्छा, मीडिया में दिखते भैया? तो आप तो कुछ कह रही थी मीडिया के बारे में कि जो मीडिया में ज्यादा दिखते हैं वो। जो मीडिया में ज्यादा दिखे वो भी भ्रष्टाचारी है। अच्छा, भ्रष्टाचारी होते हैं, मतलब अखिलेश भैया? वो भी भ्रष्टाचारी है। अच्छा, मीडिया तो आपको खूब दिखा रहे हैं। हमारे मीडिया के भाई बंधु तो बहुत साथ दे रहे हैं। अच्छा, मीडिया वाले कैसे हैं फिर जो आपको खूब दिखाते हैं? जो भ्रष्टाचारियों को मीडिया खूब दिखाते हैं, तो मीडिया वाले क्या है ये बता दीजिए भाभी। तो लोग भी भ्रष्टाचारी है। तो मीडिया वालों को कुछ दे रहे हैं, कुछ छो तनी मनी? उन सभी को निशुल्क साइकिल, यानी कि मुफ्त में साइकिल दे। अच्छा भाभी, भाभी भौजी, कारनामा किसको कहते हैं? कारनामा बातें करने को कारनामा कहते हैं। अखिलेश भैया भी कारनामा करते हैं? अखिलेश बाबू, अखिलेश बाबू, उनके कारनामों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ, जानते हैं। अच्छा, माया बुआ की रैली में बहुत भीड़ आ रही। हाँ, कांग्रेसी को फेल कर दी, राहुल गांधी को फेल कर दी, खाट सभा की खटिया खड़ी कर दी, सपाइयों की खटिया खड़ी कर दी, अब भाजपा को तो पूछो मत, मोदी जी को गली गली जाना पड़ गया, इतनी भीड़ आ रही है मायावती की रैली में। आप क्या कहते हो भाभी मायावती की रैली के बारे में? मैं समझती हूँ, देश में कभी आज तक की तारीख में नहीं हुआ है। हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात, आपके पास अगर वीडियो कैमरा नहीं है महंगा वाला, कॉर्डलेस माइक नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, ये कॉर्डलेस माइक कोई वीडियो कैमरे में नहीं लगता है, ये लगता है किसमें? मोबाइल में, बिना तार वाला माइक मोबाइल में। कैसे लगता है ये हम आपको बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो सब्सक्रिप्शन के बगल वाले में
हाँ, वो घंटा दिख रहा है, उसको बजाइए टन, और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम वो भी बताएंगे कि मोबाइल को इस कॉर्डलेस माइक से कैसे जोड़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आगे भी इस तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम।